तो यानी कि तीन टाइप से, ठीक है, यानी कि एक तुमने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा हमने क्या कहा था विच फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, विच फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, तीसरा आपने क्या पढ़ा था कोई बताना चाहेंगे? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन बस मैं रिकॉल करा रहा हूं ताकि कि आपको याद हो जाए आज की क्लास जब हम पढ़े। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन में हमने क्या कहा था कि यानी कि किसी का भी रेट निकालना हो तो पहले तो हम रेट जानते हैं कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि रेट कहते हैं। हमने कहा किसी का भी हमें रेट निकालना है, अगर हम क्या फास्ट रिएक्शन का जो है बहुत जो जल्दी होता है क्या उसका हम लोग जो है रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं क्या? बोलिए क्या स्लो रिएक्शन का निकाल सकते हैं क्या? बोलिए क्या हम स्लो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं क्या? नो सर। कि जो स्लो रिएक्शन होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं यानी कि नहीं निकाल सकते। फिर हमने आपको बताया था कि हम किस रिएक्शन का जो हम लोग क्या कर सकते हैं यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, मॉडरेट रिएक्शन, यानी कि मॉडरेट रिएक्शन या जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं एवरेज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हम लोग जिसका भी निकालेंगे हम लोग किसका निकाल सकते हैं या तो रेट ऑफ रिएक्शन जो भी एवरेज होगा उसका हम लोग क्या कर सकते हैं यानी कि निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि मान लो कि मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन ये जैसे मान लो 2A प्लस 3B और 4C प्लस 5D, क्या आप लोग इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं? बोलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या लिखूंगा बताइए आप लोग? माइनस वन बाई टू, वेरी गुड, डेल्टा ए कंसंट्रेशन डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन बाई डेल्टा बी डेल्टा बी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे या प्लस लिखेंगे? प्लस, यानी कि क्या लिखेंगे वन बाय फोर डेल्टा सी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा। ओके, इक्वल टू वन बाय फाइव डेल्टा बाय डेल्टा टी। ओके ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अच्छा, इसका माइनस का मतलब क्या होता है तो बताना चाहेंगे? ये डिसअपीयर हो रहा है यानी कि मतलब धीरे धीरे घट रहा है यानी कि डिसअपीयर हो रहा है। और यहाँ पे प्लस का मतलब क्या होता है? ये अपीयर हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, मैंने रेट ऑफ अपीयरेंस बताया था, रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताएंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस किसका होगा? प्रोडक्ट का। यस सर, प्रोडक्ट, यानी क्या हो जाएगा, यानी कि डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, और हमने क्या कहा था रेट ऑफ अपीयरेंस हमेशा क्या लेना, मोड में लेना, यानी कि डेल्टा डी डिवाइडेड बाय क्या लिखा था डेल्टा टी, इसको कंसंट्रेशन और इसको मोड में रख देंगे। इसी प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया था, मैं नेक्स्ट पेज में कर देता हूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इस रिएक्शन का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कौन घट रहा है यानी कि ए और बी घट रहा है, यानी कि डेल्टा ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डेल्टा टी, और यानी कि इसको क्या ले लेंगे मोड में, इक्वल डेल्टा बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना फॉर्मेशन भी लिखा जा सकता है, अपीयर की जगह पे ना, यानी कि आप वर्ड को सिमिलर वर्ड यूज कर सकता है, यानी कि फॉर्मेशन यानी कि कौन बन रहा है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन की जगह पे देख सकता है कि कौन जो है कंज्यूम हो रहा है। तो आप वर्ड से जो है यानी कि जो है आसपास देखिएगा और उनका जो है यानी कि क्या कर लीजिएगा, सवाल को जो है सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोगों ने इस टाइप की चीजें को पढ़ा था और ये सारी चीजें जो है आप लोगों को बताया था। और आज हम जो बात करेंगे इंस्टेंटेनियस की हम बात करेंगे, इसी की बात करेंगे। इससे पहले मैं कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ ताकि कि आपको जो है ज्यादा समझ में आए। ये मैंने करा दिया था यानी कि जो है प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कराया था मैंने।
चलिए ये वाला देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखो तो मेरे पास क्या है, ध्यान से सुनिएगा, एन टू। अच्छा मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार ट्राई कीजिए जरूर इसको बनाने का, मतलब इक्वेशन लिख देता हूं। चलिए बनाए, ट्राई कर रहे हैं। देखिए जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि तभी आप सीखिएगा आपको क्या सोच रहे थे, क्या करना है, ये तभी सीखिएगा जब आप चीजों को सोच पाए सोचिएगा। अगर सीधे सीधे मेरे बनाने से अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं बनाऊं, कोई बना रहा है या नहीं बना रहा है? सर बिल ओके, आप लोगों को बोलना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम लोग जो है, आप जितना अच्छे से कम्युनिकेट मेरे को बात करोगे, मेरी बात जितनी आपके पास कम्युनिकेट होके जाएगी उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। चलिए मैं बना देता हूँ, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या बोले, अभी तुम नए हैं, बना या नहीं बना, ठीक है। ओके मोहित कैलाश जो है यानी कि डी, चलिए चेक करते हैं। आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा, यानी कि जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा बताइए, यानी कि अपीयरेंस, ठीक है, प्रोडक्ट, हाँ यानी कि जो है प्रोडक्ट कितना बन रहा है। ओके चलिए मैं सबसे पहले तो कहूँ, यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया हुआ है, मेरे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का फॉर्मूला क्या है, कोई बताना चाहेंगे? बोलिए। डेल्टा एन टू माइनस ओ फाइव, डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस में हम लोग जो है माइनस का यूज नहीं करते, कहां पे यूज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में यूज करते हैं, तो ये डेल्टा टी हो जाएगा। बोलिए ठीक है, और इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6.25 इंटू 10 to the power -3, याद रखने को कोई दिक्कत है बताइए। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं या रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख लेते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस कह दो या फॉर्मेशन कह दो। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए, यानी कि आपको पूछ किस तरह एन टू और ओ टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि डेल्टा एन ओ टू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कंसेंट्रेशन और ये मोड, ठीक है। दूसरा यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका, ओ टू का, यानी कि डेल्टा ओ टू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा टी और मोड ऑफ कंसेंट्रेशन। लेकिन हम जब भी निकालेंगे सबसे पहले हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एन टू फाइव का कितना हो जाएगा, यानी कि 1/1 यानी कि तू माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है रिएक्टेंट है, तो माइनस एन टू ओ फाइव डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, ठीक है ओके। अब हमें जो है यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया हुआ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, यानी कि एन टू ओ फाइव डेल्टा टी की जगह पे कितनी वैल्यू दी हुई है, -6.25 × 10⁻³, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोलिए यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आपने क्या निकाल लिया, 6.25 इंटू इतना निकल गया। अब देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन टू ओ टू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 6.25, क्योंकि जब भी निकलता है तो यानी कि कैसा निकलेगा, ये तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.25 × 10⁻³। अब देखो ऑप्शन या तो ए होगा या तो क्या होगा, बी होगा। अब हमें जो है ओ टू भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे जो हमें पता है ओ टू का कितना हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ओ टू का कितना हो जाएगा, आप ऊपर चले जाएगा तो यानी कि टू चेंज ऑन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा ओ टू यानी कि इसकी जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, टू इंटू माइनस 6. क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कितना निकाले माइनस में, तो 6.25 × 10⁻³, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास जो है करीब करीब कितना हो जाएगा, 10
टू फोर, एट फाइव, ट्वेल्व, एट थर्टीन, ऐसे गलत हो गया। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन है ना, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन का कितना टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो, रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि हमें रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, ठीक है, तो ये मोड हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 6.25 इंटू 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय टू, और यहां से सॉल्व कीजिएगा डेल्टा ओ डेल्टा टी डिवाइडेड बाय, और यहां से कितनी आ जाएगी, 3.125 इंटू 10 to the power -3, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आया या नहीं आया बताइए, बहुत सारे बच्चों के साथ। सर ठीक ओके ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं इसको ना अच्छे से एक पेज में बना देता हूँ ताकि कि आप लोगों को ज्यादा समझ में। मेरे पास मान लो कि यहाँ पे मैं तीनों चीज लिखता हूँ, N2O5 है, ठीक है, और ये जो है क्या बना रहा है, 2N2O प्लस हाफ O2, मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ, फिर वैल्यू बस वहां से मिला दूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है, इक्वल टू माइनस, ये माइनस में होगा, -1/2 डेल्टा NO2 कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इक्वल टू ये हाफ ऊपर चले जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये रेट ऑफ यानी क्या है, रिएक्शन है। रेट ऑफ अपेरेंस क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपेरेंस कितना हो जाएगा, N2O5 डेल्टा, और ये कितना हो जाएगा, डेल्टा टी, बोलिए, और रेट ऑफ डिसअपेरेंस कितना हो जाएगा, यानी कि डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डेल्टा टी, ये भी मोड हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल्टा ओ टू डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डेल्टा टी, क्या इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है, यस बोलिए। यस अब सर, देखो आपको क्या यस क्या रखा सर, है, यस सर, इक्वेशन में क्या दिया हुआ है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया हुआ है, यानी कि डिसअपीयरेंस यानी कि N2O5 dt की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे ROA की जगह पे लिख दूं, 6.25 इंटू 10 to the power -3, बोलिए N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यही तो है, 6.25 इंटू 10 to the power क्या हो जाएगा, यानी कि -3, बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। नो ओके, सर, अच्छा मुझे बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, तो N2O5 बाय डेल्टा टी की जगह पे हम लिखते हैं 6.25, यस तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना निकल जाएगा, -6.25 इंटू 10 to the power -3, बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, 6.25 इंटू 10 to the power -3। अब देखो, आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया, आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, आपको पता है यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस, सॉरी ये प्लस होगा ना, प्रोडक्ट के उस साइड है, यानी कि प्लस हाफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, बोलिए यही तो होगा, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी, तो इस टू को इधर ले जाऊं, ध्यान से सुनना, यानी कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी, तो मैंने इस टू को इधर ले गया, और ROR डिवाइडेड बाय टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये हमें पता है पॉजिटिव में होता है, तो दोनों साइड हम क्या कर लेंगे, मॉड ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे टू कहाँ से मिल जाएगा, टू मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि डेल्टा NO2 हो जाएगा, और यहां से हमने जो है इसकी वैल्यू निकाल ली, और जैसे इसकी वैल्यू निकाल ली, तो यहां से हमारे पास कितनी हो जाएगी, चाहो तो रिएक्शन के टर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ROR की वैल्यू हमारे पास कितनी है बताइए, 6.25 है कि नहीं है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर -3,
डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, टू। ठीक है, और यहां से हम लोगों ने क्या करा कि आपको देखो यहाँ पे हमने वैल्यू रखा, यानी कि जो है कैसे हो जाएगा, आर ओ आर की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि आर ओ आर कितना हो जाएगा, माइनस एन टू ओ फाइव डिवाइडेड बाय 6.25, क्योंकि एन ओ टू है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने क्या निकाल लिया, इस तरह से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6.25 आ जाएगी। ओके, और जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 O2 के लिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 3.25। ये सॉल्व करने वाली चीजें हैं, और जो है आराम से सॉल्व कीजिएगा, इस प्रकार से इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को आप बनाइए। बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ओके, चलिए मैं बना देता हूँ, क्योंकि समय नहीं है, आज हम लोगों ने वैसे भी बहुत कम पढ़ा है। चलिए यहाँ पे देखिए, 2a इक्वल टू 4b प्लस c है। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ b इज 5 × 10⁻³ है इन 10 सेकेंड, यानी कि आपसे क्या पूछा, रेट ऑफ प्रेफरेंस पूछा है। आपको पता है कि आर ओ आर जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, 1/4 ये प्लस हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, बोलिए ये हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा बी कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, कंसंट्रेशन कितना दिया, 5 × 10⁻³। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। ठीक है, यहां से 10 सेकेंड लिख देते हैं, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि आर ओ आर आपने निकाल लिया। ठीक है, आर ओ आर कितना निकाल लिया, यानी कि 5 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 4। अभी हम इसको कटा नहीं रहे, 1.25 नहीं लिख रहे, चलो लिख लो 1.25 × 10⁻⁴। बोलिए ये आर ओ आर आ गया। अब वो कहता है रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ बी, तो रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ बी हम लोग क्या लिखेंगे, बी का अपेरेंस कितना हो जाएगा, यानी कि आपके पास इक्वेशन कैसा है, अपेरेंस पूछ रहा है, तो यानी कि डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1/4 × ∆B डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन यही तो होगा। अब आपसे पता है कि आपको जो है रेट ऑफ अपेरेंस चाहिए, तो रेट ऑफ अपेरेंस का क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। क्या इतनी सी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। अच्छा मुझे बताओ, डेल्टा चाहिए तो यानी कि आर ओ आर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड, यानी कि आपको तो यही तो चाहिए डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, लेकिन आपके पास वैल्यू किसकी है, आर ओ आर की। आर ओ आर की अपने कितनी निकाली, 1.25 × 10⁻⁴। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको कटाएंगे नहीं, लेकिन आप में कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग आर ओ आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 times of ROR = ∆B/∆T, हमें यही तो वैल्यू चाहिए ∆B/∆T। मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? यस सर। मैं फिर से समझाता हूँ इसको, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा टाइम समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो मैं दो चीजें लिखता हूँ, मेरे पास आर ओ आर की वैल्यू पता है, आर ओ आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5, यहां पे 1.25 लिख देता हूं, × 10⁻⁴ है। ठीक है, मैंने कहा कि आर ओ आर जो होगा वो बी का वो कितना हो जाएगा, 1/4 डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। देख सकते हैं यहाँ पे 4 था, तो हमने जो यहाँ से डिवाइड कर दिया क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में। और आप मुझे बताओ कि क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है किसका, डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी निकालना है, बी का। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ,
डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, यही तो वैल्यू निकालनी है आपको, इसी की वैल्यू निकाल लें। हमने कहा कि भाई देखो ये यहाँ पे आर ओ आर की वैल्यू आपको पता है, मुझे डेल्टा बी बाय डेल्टा टी की निकालनी है, तो हमने कहा कि भाई डेल्टा बी टी इसकी निकालनी है, तो आर ओ आर इंटू मैं फोर कर दूं, यानी कि डेल्टा बी बाय डेल्टा टी हो जाएगा। यस सर। और इसी का हमने क्या करते हैं, अपीयरेंस में मोड ले लेते हैं। आर ओ आर की वैल्यू आपने 1.25 इंटू 10 टू द पावर कितना निकाला, -4, ये तो निकाला, इंटू हम क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं, क्या डेल्टा बी बाय डेल्टा टी की वैल्यू निकल गई। और इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, हमें यही वैल्यू निकालना था, यानी कि डेल्टा बी बाय डेल्टा टी की जगह पे कितना निकल गया, 5 इंटू 10 टू द पावर -4। देखो कौन सा आंसर है, 5 इंटू 10 टू द पावर -4, तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोलिए क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? दिक्कत तो नहीं जा रही है? अगर ना समझ में आए तो आपको पूछना है, जैसे ये क्वेश्चन है, आप बनाइए फटाफट से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जिनको भी ना समझ में आ रहा हो तो एक बार पूछना, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग पूछते चलो जाओगे तो, जैसे मुझे पता है कशिश का, रिया का, जिया चंदेल का मेरे से पढ़ी है पहले भी, और कोई पढ़े हैं मेरे से, तो मेरे को नहीं लग रहा है। सर डी है इसका आंसर। ओके चेक करते हैं, इन्होंने बताया आंसर एक बार फिर। अच्छा संतोष, ठीक है, आपका नाम क्या है? काजल। काजल, यस सर। ओके ठीक है, चलिए मैं बना देता हूं आपको। देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है, आपको डिसअपीयरेंस निकलना है। डिसअपीयरेंस का मतलब क्या होता है बताइए, प्रोडक्ट होगा या रिएक्टेंट होगा? रिएक्टेंट। यानी कि रिएक्टेंट के अनुसार से लिखना होगा, तो मैं रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ। यहाँ पे डी का मतलब अभी जस्ट हम समझाएंगे कि इंस्टेंटेनियस होता है, आपको उससे अभी थोड़ी देर में जो है बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखो यानी कि डिसअपीयरेंस कौन हो रहा होगा, यानी कि ये रिएक्टेंट हो रहा होगा, ठीक है, ओके चलिए हम चेक करते हैं। अब आपके पास हमें कह रहा है द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमिन, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमिन लिखते हैं कितना हो जाएगा। ब्रोमिन किधर है, यहाँ पे है, यानी कि बी आर टू चेंज इन ब्रोमीन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन, यानी कि ब्रोमाइड आयन कौन सा है, बी आर माइनस ब्रोमाइड आयन तो यही है, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि डेल बी आर माइनस डिवाइडेड बाय डेल्टी। बोलिए क्या आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आ गई? yes. हाँ बोलिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, मैं ब्रोमाइड के लिए लिखता हूँ और इसके लिए लिखता हूँ ब्रोमीन के लिए, यानी कि -1/5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डेल्टा बी आर माइनस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/3 डेल्टा बी आर टू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। यस सर। ठीक है बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बता दीजिए? नो सर। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, आपको रेट ऑफ अपीयरेंस को रिलेट करना है इससे, भाई इन दोनों को करना होगा। यहाँ पे एक बार रेट ऑफ अपीयरेंस में देखिए, आपके पास क्या है, ब्रोमिन है, और यहाँ पे क्या है, बी आर माइनस है, तो देखो अगर जब मुझे इन दोनों को इक्वल करना होगा तो यानी कि क्या करना पड़ेगा, कि हमें पता है कि यहां से इसको इधर ले जाना पड़ेगा। देखिए अगर जब 3 को इधर ले जाओगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, 3/5 डेल्टा बी आर माइनस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना है, ब्रोमीन है, डेल्टा बी आर टू डिवाइडेड बाय डेल्टा टू। देखो कौन सा ऑप्शन है, यानी कि जो है
यहाँ पे जो है डी इसका जो है राइट आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? यस सर। जिनको भी नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं। इस टाइप का एक और क्वेश्चन दूं मैं? यस सर। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा चलिए ये वाला बनाइए आप लोग, तो पहले फटाफट से, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए। सर क्वेश्चन क्लियरली नहीं दिख रहा है। क्या बोले? अच्छा सर क्वेश्चन क्लियरली नहीं दिख रहा है। क्लियरली नहीं विजिबल है। ओके चलिए मैं बता देता हूँ। N2+3H2 से 2NH3 ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल ऑफ N2 डिसअपीयर इन 1 मिनट, इट्स वॉल्यूम इज 2 लीटर, फाइंड ROR। ठीक है चलिए हम लोग जो है ROR की पहली वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे देखो ROR का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताइए? डेल्टा N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ठीक है माइनस में लिख लो, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? -1/3 डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डेल्टा T। डेल्टा टी ओके इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बोलिए? डेल्टा टी। अब देखो वो क्या कहता है, अमोनिया का क्या दिया हुआ है? 2 मोल दिया हुआ है। ठीक है अमोनिया कितना दिया हुआ है? 2 मोल दिया। हमने ऊपर में कहा था ये कंसंट्रेशन टर्म होता है। कैसा टर्म होता है? ये कंसंट्रेशन होता है, और ये कौन सा वाला लेना? मोलारिटी वाला लेना। तो यहाँ पे मोल कितना दिया हुआ है? 2। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? यानी कि 2 लीटर दिया हुआ है, और नीचे में यानी कि 1 मिनट में यानी कि टाइम यानी कि इसको हम जो 60 सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं क्या 1/60 लिखूं बोलिए? यानी कि इस हिसाब से आपके पास क्या हो गया, यानी कि यहां से हमने जो है इसका निकाल लिया। अगर जब मैं आर ओ आर की बात करता तो साथ में क्या लिखता? 1/2 से मल्टीप्लाई करता, ये 1/2 भी से भी तो करता। यहां से कितना आ जाएगा बोलिए? यानी कि 1/20 आ जाएगा। क्या आपने आर ओ आर निकाल लिया? तो यानी कि हाँ हमने आर ओ आर 1/20 आ गया। इसको थोड़ा सही से करके लिख देता हूं बोलिए। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए? हमारे पास जो है सॉरी यहाँ पे हमें जो है अमोनिया डिसअपीयर वाला दिया हुआ है, हम डिसअपीयर वाला निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है 1/2 से नहीं जाने वाले, क्योंकि आर ओ ए डी का जो फॉर्मूला होता है वो तो सिंपली ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि जो है ये हो जाता है। ठीक है यानी कि आर ओ डी का जो फॉर्मूला होता है किसके लिए निकालना है? जो है अमोनिया फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल ऑफ N2 डिसअपीयर इन 1 मिनट एंड इट्स वॉल्यूम N2। ठीक है तो यहाँ पे N2 कितना 1 है, मैं यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में लिख देता हूँ कितना है N2, यानी कि डेल्टा N2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डेल्टा T। इसको कंसंट्रेशन टर्म और यहाँ पे इसकी वैल्यू, ये जो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ चाहो तो N2 लिख दो। यानी कि आपके पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकल गया। अब जब देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकल गया तो मेरे पास जो है यहां से मैं मोलारिटी निकाल रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूँ। आर ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? -∆N2 डिवाइडेड बाय -∆T। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए कि यहां से हम लोग क्या कर लेंगे? ∆N2 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? -∆T। और आपको पता है कि यानी कि इसी की जगह पे ये वैल्यू है 1/60। ये कितना है? ∆N2 डिवाइडेड बाय -∆T की वैल्यू कितनी है? 1/60। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/60। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताना? नो सर। ओके कितना आ गया? 1/60 आ गया। ओके अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिए, अब क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल सकते हो क्या? तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मैं यहाँ पे जो है एक नए पेज में लिख देता हूं। आपके पास क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन
मैं किसका लिखूंगा, मेरे को क्या निकालना है, एस टू का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस वन बाय थ्री डेल्टा एस टू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब मुझे बताना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यानी कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, डिसअपीयरेंस हो रहा है, यानी कि आर ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस टू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और आपको डेल्टा एस टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी निकालना है, तो यहां से कितना हो जाएगा, आर ओ आर आपने निकाला 1/60 और इसको मैं इधर ले चलता हूं तो यानी कि कितना हो जाएगा 3, यानी कि कितना हो जाएगा डेल्टा एस टू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। चाहो तो माइनस ले सकते हो, लेकिन ये मोड के अंदर जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना हो जाएगा, यानी कि 1/20। बोलिए यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 बताना है आपको, यानी कि क्या बताना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो देखिए पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि NH3 के हमारे पास कितना है 1/2। ठीक है, डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, और आपके पास यानी कि हमें जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका निकालना है, अमोनिया का, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि चेंज इन अमोनिया डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और मोड कर देता हूं ये कंसंट्रेशन टर्म है। ओके, तो यहां से हमें जो इसकी डेल्टा NH3 बाय इसकी निकालनी है, तो हमें आर ओ आर की वैल्यू पता है, आर ओ आर की वैल्यू अपने कितनी निकाली है, यानी कि 1/60 माइनस में किस में देख लेते हैं, यानी कि जो है आपके पास माइनस में, तो यहाँ पे माइनस से लेते हैं, और इसके बाद जो है यानी कि कितना है ये वैल्यू 2, यानी कि 2 से ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -1/30 और आपको मोड में जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 1/30। बोले क्या समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस, कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने यहाँ पे क्या करा, जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना तो सारी चीजें रिकॉल करके आना, तो हमने देखो क्या कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखना हो तो -delta N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू -1/3 डेल्टा एच टू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3/2 जो मैंने आपको बताया था रेट ऑफ रिएक्शन लिखने, यहां तक लिख लीजिए। अब देखो आपको इक्वेशन में क्या दिया हुआ है ना, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल ऑफ N2 डिसअपीयर इन 1 मिनट, यानी कि जो है आपके पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल है, यानी कि ये जो है क्या हो रहा होगा, यानी कि फॉर्म हो रहा होगा, यानी कि आप देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यानी कि हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या कह रहा है, टू ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल ऑफ N2, यानी कि कितना मोल N2 लग रहा है आपका, यानी कि जो है 2 मोल लग रहा है, यानी कि हमने कहा कि भाई रेट ऑफ डिसअपीयरेंस N2 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय, यानी कि 1 मिनट कितना हो जाएगा 60। आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं दिया हो तो हमने कहा कि भाई कंसंट्रेशन जो लेते हो किसमें ले लेते हैं, मोलारिटी में लेते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 2 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यहाँ से कटा देंगे तो यानी कि 1/60। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 आपके पास आ गया, कितना आ गया 1/60। आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे डेल्टा N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा 2, और इसी की वैल्यू होती है, यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते थे डेल्टा N2 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते थे डेल्टा टी। बोलिए यहाँ तक ऐसा लिख सकते थे, तो हमने कहा कि चीज को हमने क्या कहा कि भाई डेल्टा NT बाय डिवाइडेड डेल्टा टी की जगह पे 1/60 लिख देते हैं, बाहर माइनस है यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। ठीक है, अब जैसे ही हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया -1/60 हो गया। ओके, अब हमारे पास देखो रेट ऑफ रिएक्शन 1 -1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी, क्योंकि मुझे जो है क्या निकालना है, रेट ऑफ जो है डिसअपीयरेंस डेल्टा H बाय डेल्टा टी। हमने कहा कि भाई ROR की वैल्यू पता है तो इसको इधर ले गए, ये माइनस वाला भी टर्म इधर ले गए, यानी कि कितना हो जाएगा -1/60। यहाँ पे जो है क्या किया,
ये जो वैल्यू है यानी कि जो है आर ओ आर की माइनस वन बाई सिक्सटीन, और इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, माइनस वन बाई सिक्सटी आर ओ आर की जो है यहाँ पे जो है प्लस हो गया। तो यानी कि डेल्टा एस टी यानी कि रेट ऑफ जो डिसअपीयरेंस हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, यानी कि डेल्टा एच बाई टी, तो डेल्टा एच बाई टी कितनी वैल्यू है, 1/20, यानी कि जो यहाँ से निकाल लिया। फिर हमने कहा कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 1/2 डेल्टा एन एच थ्री डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। हमने कहा कि भाई डेल्टा एन एच थ्री बाई डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है, तो इस टू को इधर ले गए, यानी कि यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, ये जो है कितना हो गया माइनस, और यहाँ मोड में जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा 1/30। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ठीक है, अब चलो ये क्वेश्चन बनाइए। मैं कुछ क्वेश्चन जो हाथ से लिख के आपको भेज दूंगा, आप लोग एक बार ट्राई जरूर करना। बना लिए, जरूर ट्राई कीजिए। चलिए मैं बनाऊं, ज्योति रिया बना लिए। चादवी शर्मा, ज्योति शर्मा, कशिश, नवनीत कौर, प्रिया शर्मा, आप लोगों ने बनाया, संतोष, उर्वशी, वंशिका। चलिए मैं बनाऊं? यस सर। ठीक है, आप लोग जो है बिल्कुल भी सोच रहे होंगे सर रात के 9:30 बज गए हैं अब हम क्या पढ़े। ठीक है चलिए, हम लोग जो है यहाँ पे मैं बताता हूँ। अब देखो आपको सबसे पहले ना रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, आपको कुछ भी नहीं ध्यान देना, सबसे पहले रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तीनों का फॉर्मूला लिखना। मेरे को यहाँ पे अपीयरेंस की जरूरत नहीं है, मैं सबसे पहले रेट ऑफ अपीयरेंस लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 माइनस में, यानी कि डेल्टा क्या हो जाएगा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा NO2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा ओ टू डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा डेल्टा टी। ओके को कोई दिक्कत बता दीजिए। अच्छा मुझे बताओ कि मेरे को अपना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है, दोनों फॉर्मूला लिखता हूँ। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका होगा, घटेगा कौन, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मैं ऐसा लिख दूं Yes, sir. और ये हमेशा कैसा होगा, मोड होगा नेगेटिव। चलिए अब देखो कहता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हुआ है। रेट ऑफ अपीयरेंस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, और वो भी किसका दिया हुआ है N2, यानी कि मैं कितना लिख दूं डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 2 mol L inverse सेकेंड इनवर्स। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत बता दीजिए। क्या मैं यहाँ इस वैल्यू को रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा तो मैं सारा काम मेरा बन जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, यानी कि इस NO2 की जगह पे मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा लिख दूं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/4
डेल्टा एन ओ टू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बोलिए किन्हीं को कोई डाउट है बताइए आप लोग। मतलब किन्हीं को कोई डाउट है? ओके सर। अब यहाँ पे मुझे बताइए डेल्टा एन ओ टू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पे मुझे बताइएगा डेल्टा एन ओ टू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? यानी कि आर ओ आर की वैल्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4 इंटू टू। यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/2। बोलिए यहाँ से कितना आ गया हमारा? 1/2 आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया, अब आपसे क्या पूछता है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। आपको पता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का जो फॉर्मूला है वो कहाँ पे है? N2O5 है। ठीक है, मैं यही यूज कर लूंगा। अब मुझे बताइएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आपको N2O5 निकालना है, वो भी डिसअपीयरेंस। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख दूं डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बोलिए रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पे हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? आपके पास कितना है? 1/2, तो -1/2 हो जाएगा। ओके, बोलिए यहाँ तक लिखने को कोई दिक्कत बताइए? डेल्टा N2O5 डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको इधर ले जाऊं डिवाइडेड बाय टू, सॉरी ऊपर ले जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -ROR इंटू टू हो जाएगा। बोलिए यस सर। ठीक है, अब देखो आर ओ आर की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? 1/2। यहां से कितना हो जाएगा? और आपको पता है डेल्टा एन टू ओ फाइव यानी कि डेल्टा टी एस, और जब भी वैल्यू लेंगे तो उसका मोड ले लेंगे, तभी तो निकालोगे, क्योंकि आपको क्या निकालना है? अब एन टू ओ फाइव निकालना है। अगर ये निकालते तो हम लोग क्या निकालते हैं? सीधे सीधे मैं अगर ऐसा लिख दूं, आपके लिए एक स्टेप और लिख दूं, यहां से मैं इसको मोड को हटाता हूं तो मैं यहां से आर ओ आर की वैल्यू आपके पास 1/2, तो -1/2 इंटू टू ये वैल्यू किसकी आ गई? डेल्टा एन टू ओ फाइव डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इसका आ गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यानी कि N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हो गया। ठीक है, अब आपको मोड का निकालना है, यानी कि क्योंकि आर रेट ऑफ आपको डिसअपीयरेंस निकालना है तो इधर भी मोड है तो इधर भी मोड कर देंगे, तो दोनों साइड मोड कर दिए, तो दोनों साइड मोड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्या आप लोगों ने समझा? यस सर। सेम में दे देता हूं, लेकिन आप लोग बनाइए यहाँ पे मेरे पास, इसको मैं जो है प्रेजेंट करके दे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। 2N2O5 है, ठीक है, और ये बन रहा है आपका 4NO2, और साथ में क्या बन जा रहा है? O2 बन जा रहा है। ठीक है, सारी कंडीशन सेम दिया हुआ है। इस बार आपको जो है ना रेट ऑफ जो है अपीयरेंस 4 मोल दिया हुआ है। रेट ऑफ अपीयरेंस कितना दिया हुआ है? 4 मोल दिया हुआ है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज 4 मोल। तो आपसे कह रहा है, यानी कि पूरा जो है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, तो कह रहा है फाइंड आर ओ आर। ठीक है, अब हमें जो है यानी कि क्या निकालना है? आर ओ आर निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो कि आपको क्या दिया हुआ है? NO2 दिया हुआ है, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस वो क्या हो जाएगा? यानी कि डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, और हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन
निकालना है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/4 डेल्टा एन ओ टू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताइए? नो सर। ओके, अब देखो डेल्टा एन ओ टू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की जगह पे आप कितना रख सकते हो, 4। यहां से 1/4 × 4 यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैं दो चार क्वेश्चन जो है हैंड से लिख के एक पेज में कल सुबह तक भेज दूंगा। जब आपकी नेक्स्ट क्लास कल ही है मेरे ख्याल से, तो आप एक बार जो है फर्स्ट हमारी क्लास होगी तो आप एक बार जरूर इन सबको बनाना ताकि कि हम लोग को ज्यादा समझ में आए, फिर हम लोग कल की क्लास में सिंटेनियस के बारे में बात करेंगे। ठीक है।